अयोध्या में चर्चा बनाना चाहती है रानू मंडल, क्या है इस वायरल मैसेज की सच्चाई? नमस्कार, पर क्या आपने रानू मंडल का वो बयान पढ़ा है जिसमें वह अयोध्या की जमीन पर चर्च बनवाने की मांग कर रही है? इंटरनेट के जरिए रातों रात स्टार बनी रानू मंडल के तारे पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहे हैं, इसलिए वो किसी न किसी कान विवाद में बनी हुई है। पहले फैंस के साथ बदतमीजी को लेकर, फिर मीडिया के सामने नखरे दिखाने के चलते रानू मंडल पहले लोगों के निशाने पर आ चुके, अब वायरल हो रहे एक पोस्ट के चलते रानू मंडल को लोग फिर आड़े हाथ ले रहे हैं। दरअसल इस वायरल पोस्ट के मुताबिक अयोध्या भूमि विवाद पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रानू मंडल ने इस जगह चर्च बनाने की भी मांग की है, जिसके कारण अब लोग रानू मंडल को ट्रोल कर रहे हैं। रानू मंडल के ट्विटर अकाउंट पर वाला एक पोस्टर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट के कारण लोग रानू मंडल के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे, लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर। एक बीजेपी कार्यकर्ता ने लिखा, रानू मंडल ने अयोध्या में चर्च के लिए जगह मांगी, आपको नहीं लगता कि ये स्टेशन पर ही ठीक थी? ये तो सिर पर बैठ गई। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद ये मीडिया की नजर में आई तो कुछ फेक चेकिंग वेबसाइट ने इसका पोस्टमार्टम किया। जानकारी ये निकली कि ये पोस्ट सरासर गलत है। दरअसल स्टार करने वाली एक वेबसाइट ने रानू मंडल को लेकर फिक्शनल चोरी पोस्ट की, जिससे सच मानकर लोग इस सिंगर को अब निशाना बना रहे हैं। रानू मंडल के बारे में ये एक फेक न्यूज है। मंडल ने कहीं भी ऐसी बात नहीं करी और न ही चर्चा के लिए कोई जमीन मांगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन से रानू मंडल का गीत एक प्यार का नगमा जैसे ही सामने आया, वो इंटरनेट पर ट्रेंड करने लग गया। इसके बाद बॉलीवुड के नामी म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया ने रानू को अपनी नई फिल्म हैप्पी हार्डी एड हीर में गाने का मौका दिया, जिसके बाद रानू की किस्मत ही मानो बदल चुकी। अब वह सोशल मीडिया पर अपनी अग्रेजी और नखरे के लिए लगातार चर्चा में है। कभी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाली रानू मंडल को आज हर कोई जानता। सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर को एक को गाकर वह रातों रात वायरल हो गई थी। मंडल बीते कुछ दिनों से लगातार चर्चा में, पर क्या आपने रानू मंडल का वो बयान पढ़ा है जिसे वह अयोध्या की जमीन पर चर्चा बनवाने की मांग कर रही है?